Good evening, everyone. Good evening, students. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. तो अनअकैडमी के YouTube चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सी सम क्रूशियल रेलेवेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, विच आर रेलेवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन. थोड़ा सेशन में इररेगुलरिटी आई है टाइमिंग को लेकर पिछले 2-3 डेज में, एंड आई एम वेरी मच मीन्स इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड. आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है. लेकिन देखिए कभी कभी परेशानियाँ बढ़ती हैं जीवन में, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए. तो बस आज शाम को सेशन रखे, कुछ काम था सुबह में, दिस वॉज द रीजन. ओके, तो एवरीथिंग विल कम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम 1st of April, मैंने कहा हुआ है आप लोगों से, ठीक है. तो चलिए लेट्स बिगिन. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग, पास्ट 1.5 years इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन अनअकैडमी. इन यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट इन माय 4 attempts एंड 4 mains. आई हैव आल्सो वर्क्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज फॉर 3 years, आफ्टर विच आई रिजाइन टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, विच आई एम डूइंग सक्सेसफुली फॉर द पास्ट 1 decade. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी _ अनुराग सिंह, जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री PDF एंड फर्दर अपडेट्स के लिए. मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इधर अपॉन द प्लस और अपॉन द आइकनिक प्लेटफॉर्म. IAS ड्रीम ऑफर इज गोइंग ऑन, फ्लैट 20% ऑफ. यूज कोड अनुराग एंड यू कैन सी फ्लैट 20% ऑफ अपॉन द सब्सक्रिप्शन प्राइसेज ऑफ 1 year प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, मिनिमम 1 year, 2 year, 3 year, ठीक है, प्लस 3 months एक्सटेंशन. ये वैलिड है ऑफर आज तक ही, जरूर से इस ऑफर का फायदा उठाइए, इससे बेहतरीन ऑफर अब भी नहीं आ रहा है, ठीक है. एंड अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसेट टेस्ट सीरीज, यू कैन सी 6 months एंड 12 months सब्सक्रिप्शन. जस्ट गो फॉर टेकिंग द टेस्ट सीरीज इफ यू आर फीलिंग दैट देर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस इन योर प्रिपरेशन. यूज कोड अनुराग टू टेक अप दिस टेस्ट सीरीज एंड यू गेट 50% ऑफ. Also, you can see it here, Unacademy Last Mile Free Comprehensive Interview Guidance Program for UPSC CSE 2021 and this mock interview sessions 1st April से start करेंगे. And iconic subscription के फायदे देख सकते हैं आप, personal coach, 1:1 live mentorship and mains question answer practice, study planner, open house with educators, and these are the plus and iconic subscription prices. Use code Anurag to get the maximum दिस बेनिफिट्स. अभी 20% ऑफ आज तक चल रहा है, या मिनिमम 1 year सब्सक्रिप्शन पे आप देख सकते हैं. एंड दिस दीज आर द लोन्स यू कैन गेट, 0% इंटरेस्ट रेट एंड यूपीएससी बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम March 30. दिस इज द प्रोफाइल लिंक, ये देखिए मेरा प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS, सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर. आज शाम को 8 बजे सेशन, 8 बजे नहीं 7:30 पर आज सेशन शेड्यूल्ड है MCQ क्लासेस का, ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशंस का. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज 30 मार्च, लेट्स सी, हर न्यूज को हमें डिकोड इंटरलिंक अप्रोच एंड 360 degree अप्रोच से देखना है. डिकोड इंटरलिंक अप्रोच मींस डिकोड द न्यूज एंड इंटरलिंक इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. GS 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस प्लस ऑप्शनल 1 and 2 का सिलेबस से हमें लिंक करना है. सेकंड पॉइंट, 360 degree अप्रोच मींस इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे प्रीलिम्स में, हमें होलिस्टिक कवरेज उस न्यूज का, कंप्लीट बैकग्राउंड कवरेज उस न्यूज का करना है. तो निकालिए स्टूडेंट्स एटलस, एटलस बहुत एसेंशियल. GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेन सिलेबस निकालिए, न्यूज नोटबुक निकालिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए एंड चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सेशन के शुरुआत में इंटेंसिव रिवीजन कल के सेशन का. 29 तारीख था कल, ठीक है, 29th of March, एंड लेट्स सी 29 मार्च को क्या क्या न्यूज में आया था इंपॉर्टेंट. तो ये देखिए सबसे पहले द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. मैंने कल क्या पढ़ाया था स्टूडेंट्स, टेल मी इसके फील्ड्स कौन कौन से फील्ड्स में दिया जाता है ये टैग्स, सिटीज को याद कर लीजिएगा. सेकेंड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, लेट मी टेल यू, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एनवायरमेंट में एलिफेंट डेथ का टॉपिक आया था, ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट, दिस एलिफेंट डेथ अपॉन द रेलवे ट्रैक्स. और तुरंत हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में क्या बताया गया है, क्या आंसर किया गया, कैसे कैसे एलिफेंट डेथ रोकी जा रहे ऑन द रेलवे ट्रैक्स. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट
स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट इट, मेंस का क्वेश्चन यहां पे मेंस के लिए तैयार कर लीजिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII जरूर से रेडी कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। ये ऑटोनॉमस बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देहरादून में इसके हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस वी वेंट ऑन टू सी माइक्रोप्लास्टिक्स का टॉपिक। माइक्रोप्लास्टिक्स यस इन द ब्लड, और प्लास्टिक के दो प्रकार देखा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स, और सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर कौन कौन से एटम्स होते हैं, कार्बन किससे किससे अटैच होता है, ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने देखा। माइक्रोप्लास्टिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स टॉपिक, ये देखिए। यस यस, जय हिंद, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ये देखिए फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम लोगों ने कोरल ब्लीचिंग का टॉपिक देखा, कोरल ब्लीचिंग, और कोरल ब्लीचिंग हम लोगों ने देखा दैट कितने प्रकार के कोरल्स होते हैं, कौन सा एल्गी होता है, प्रीलिम्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्सो कोरल ब्लीचिंग होता क्यों है, फैक्टर्स विच लीड टू कोरल ब्लीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। तो फैक्टर्स, फिर कोरल्स के टाइप्स, ठीक है, हार्माटिपिक कोरल्स क्या होते हैं, शेल्स कौन बनाता है, जूओजेंथला एल्गी का नाम, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMN, क्या ये याद रहेगा, टेल मी स्टूडेंट्स। मैं बता दूँ, जितने भी कोरल रीफ के मॉनिटरिंग के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के सब टाउन्सविले में हेडक्वार्टर्ड हैं। टाउन्सविले देखिए, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे देखिए, टाउन्सविले इज अ सिटी इन क्वींसलैंड स्टेट, क्वींसलैंड प्रोविंस, जस्ट ऑन द दिस कोस्टल रीजन ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। टाउन्सविले मार्क करके मुझे बताइए एटलस में दैट आपको मिला कि नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लोकसभा में एक बिल लाया गया, बायोमेट्रिक्स ऑफ डिटेन्ड पीपल, जिनको पकड़ कर जेल में रखा जाता है और या तो कन्विक्टेड हैं या अंडर ट्रायल चल रहे हैं, सबके बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाई करके रखे जाएंगे डेटाबेस में। और इस टॉपिक को लेकर, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को लेकर बायोमेट्रिक्स के अलावा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS प्लस CCTNS, ठीक है, ध्यान दीजिए, इंडिया शेयर करने वाला डिटेल्स UK के साथ में ऑफ वेरियस क्रिमिनल्स। तो ये दो तीन टॉपिक एक साथ आ सकता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, ये टॉपिक एक मींस नॉट ओनली द क्रिमिनल्स बट बायो, जहां AFRS की बात हो रही है उसको लेकर पूरा का पूरा एस्पेक्ट आ सकता है, दैट दिस ओवर मींस द स्टेट इज overtly focused upon the citizens। तो ये तीनों चीज आप पढ़ लीजिएगा, मेंस में सवाल निकल सकते हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, कोविड के ऑर्फन्स, जो भी बच्चे अनाथ हो गए थे कोरोना वायरस के साथ, कोरोना वायरस में डेल्टा स्ट्रेन का जब स्ट्राइक डेल्टा स्ट्रेन ने किया था सेकेंड वेव ऑफ कोविड में इंडिया में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा दैट इट विल ऑल्सो लुक इन टू द फ्लाइट की क्या दिक्कतें वो बच्चे फेस कर रहे हैं, क्या वाकई में उनके पास कुछ एसेट है जिनका उनको पता नहीं है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट भी इट इज़ कमिंग आउट एंड हेल्पिंग इन द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग शिफ्ट किए करेंसी इन सर्कुलेशन एंड करेंसी विद द पब्लिक, क्या ये टॉपिक समझ में आ गया था, चल में ही, ये देखिए करेंसी विद द पब्लिक कितना है, क्या प्रीलिम्स में यहाँ सवाल आ सकता है, व्हाट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, यस, व्हाट इज करेंसी विद द पब्लिक, यस, फॉर्मूला आ सकता है। सेकंड पॉइंट, क्या मेंस में ये बड़ी वजह है इन्फ्लेशन की, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, ये देखिए, यस। और उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन द कंट्री, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, ये देखिए उसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूज़ में चल रहे हैं जहां पे रिएक्टर्स लगाए जाएंगे। हम लोगों ने देखा कैगा इन कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुटका इन मध्य प्रदेश, गोरखपुर इन हरियाणा एंड माही बसवाड़ा इन राजस्थान, ये प्लेसेस कौन से फील्ड से रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड विद दिस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। एंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स क्या होते हैं, दिया हुआ था न्यूज में, देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद वी फोकस्ड अपॉन द जोजीला टनल, ठीक है, लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता हुआ।
और उसके बाद वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया। स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं? पद्दूर में, मैंगलोर में और विशाखापट्टनम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस प्रीलिम्स के लिए। एंड वी एंडेड द टॉपिक विद एपिडीमियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप बनने वाला है इंडिया में डिजीज कंट्रोल के लिए, और एक नया कंसेप्ट ट्रेनिंग का, एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विसेज हैज कम अप, EIS। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ पर्सपेक्टिव में, सवाल निकल सकता है EIS के ऊपर ओवर दिस इन द प्रीलिम्स दिस ईयर इटसेल्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ यस्टरडे। आज देखते हैं क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले पर्यावरण के फील्ड का, एनवायरमेंट के फील्ड का न्यूज, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट GS पेपर 1-3। ये पूरा सेक्शन हम लोग एक जगह पे पढ़ते हैं। ये देखिए, राइनो पॉपुलेशन अप बाई 200 इन काजीरंगा, लास्ट सेंसस कंडक्टेड इन 2018 पुट द नंबर एट ऑफ वन हर्बीवोरस एट 2413। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट वन हॉर्न और इंडियन राइनोसेरस इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज इंक्रीज बाई 200 इन 4 ईयर्स। ये देखिए बहुत तेज जनसंख्या राइज कर रहा है, ठीक है। एंड दिस द लेटेस्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्लैगशिप, काजीरंगा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एंड फ्लैगशिप एनिमल इसका है वन हॉर्न राइनोसेरस। लास्ट राइनो सेंसस में 2413 दिस नंबर्स आए थे और इस बार 200 नंबर्स बढ़ गए हैं टोटल। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, काजीरंगा क्या फेमस ही है इसके लिए, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए? यस। एंड ये देखिए काजीरंगा का लोकेशन कहाँ, यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, काजीरंगा ये देखिए लोकेशन वेस्ट टू ईस्ट आ सकता है असम में नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये देखिए। सो मानस सेंचुरी ऑन द वेस्ट, ओरांग नेशनल पार्क देखिए उसके ईस्ट में, ठीक है। यहां देखिए 2 मिनट्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, और आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, दिस इज ओरांग, दिस इज लखोवा, एंड दिस इज काजीरंगा, एंड देन दिस इज डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा सुना है आपने, टेल मी द चैट बॉक्स। ये देखिए तो वेस्ट टू ईस्ट पढ़ लीजिएगा, मानस, ओरांग, लखोवा, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, ये वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूरब में बायोस्फीयर रिजर्व्स नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन द स्टेट ऑफ असम। सबसे बड़ी बात है, सवाल ये भी निकल सकता है कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा के आसपास, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ये देखिए काजीरंगा इज लोकेटेड जस्ट ऑन द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, एंड राइनोसेरस यू कैन सी इट हियर, सेकंड लार्जेस्ट एशियन एनिमल आफ्टर एशियन एलिफेंट, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस कहते हैं इसको, ये देखिए हॉर्न ऑफ द राइनोसेरस यू कैन सी इट हियर, साइंटिफिक नेम राइनोसेरस यूनिकॉर्नस, ये देखिए सिंगल हॉर्न, एंड हैबिटेट नॉर्थ इंडिया एंड साउथ नेपाल, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड ग्रास लैंड हैबिटेट में रहता है, फॉरेस्ट में नहीं रहता है, जहां रहता है वहां ग्रास लैंड रहने जरूरी है। ये देखिए, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए, एंड इट्स अ मैमल, इट्स हर्बीवोरस, और सबसे बड़ी बात, इंडियन राइनो विजन लॉन्च किया गया था 2020, दिस इट वॉज लॉन्च्ड 10 ईयर्स बैक। तो 10 साल में एम था दैट राइनोसेरस का पॉपुलेशन 3000 पहुंच जाना चाहिए इन 7 ऑफ असम्स प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2020। यू कैन सी द डेटा आउट हियर, द डेटा इज गिवन आउट हियर, 3000 टारगेट क्या था, 3000 राइनोसेरस इन 7 ऑफ असम प्रोटेक्टेड एरियाज बाय ईयर 2020। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा, पोबीतोड़ा, सुना है आपने काजीरंगा एंड पोबीतोड़ा, वेरी वेरी फेमस प्लेसेस फॉर राइनोसेरस। इनफैक्ट ये सोर्स रीजन्स हैं, सोर्स मींस यहीं पे सबसे ज्यादा राइनोसेरस पाए जाते हैं। एंड उसके अलावा 5 टारगेटेड एरियाज, मानस, लखोवा, कचमोड़ा, डिब्रू सैखोवा एंड ओरांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, लेट मी नो, क्या लैग कर रहा है मुझे बताइए चैट बॉक्स में, या सही चल रहा है सब कुछ? तो काजीरंगा, पोबीतोड़ा, मानस, लखोवा,
Pachmoda, Debro, Sakhova and Orang, these are important locations, important protected areas जहाँ पे rhinoceros की population बढ़ानी है, 3000 करनी थी और ये achieve भी हो गया. Indian rhino vision was achieved in 2020. ठीक है. और ये किसने, पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स. ये देखिए कल सेशन अपने पुराने समय 6:30 होगी. मैंने कहा आज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, अभी 110 किलोमीटर्स की ड्राइविंग करके आ रहे हैं. ठीक है, क्लास दे रहे हैं, अभी रेस्ट तक नहीं किए हैं, लंच तक नहीं किए हैं. ठीक है, आई एम सिटिंग हेयर जस्ट, वो भी डिले हो गया आज के सेशन में. ठीक है, कल से वापस अपने समय पर सेशन होगा 6:30 के आसपास. राइनो विजन वॉज लॉन्च 10 ईयर्स से टारगेट था 2010 में. ठीक है, सो दिस इज द राइनोसेरस का टॉपिक. ये देखिए, और हर्बीवोरस एनिमल, इतना याद रखिएगा. वल्नरेबल IUCN स्टेटस, वल्नरेबल. ठीक है, टेल मी क्या ये याद रहेगा, वल्नरेबल स्टेटस ऑफ राइनोसेरस. ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के लिए काफी है ये टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट मैसिव फायर इन सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड IAF choppers deployed. ये देखिए दिस फॉरेस्ट फायर, आप देखिए यही जगह बचा हुआ था जो वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर नहीं लगे थे. उत्तराखंड में लग चुके, मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर लगा था. ठीक है, बांधोगढ़ टाइगर रिजर्व में, उसके अलावा सिमलीपाल में लगा था, उसके अलावा शेषाचलम में लगा था, और आप देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व. ये देखिए तो सरिस्का कहाँ पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पास, NCR बेल्ट. ये देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स. ये देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व वाज दैट टाइगर रिजर्व विच रिकॉर्डेड अ नेट जीरो टाइगर पॉपुलेशन इन 2004, जिसके बाद ये देखिए 2004 के सेंसस में जब टाइगर पॉपुलेशन जीरो पाया गया, उसके तुरंत बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया, NTCA. सुना है आपने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. यस, एंड दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया, NTCA. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में लॉन्च किए गए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. ये देखिए क्लियर. अब सबसे बड़ी बात है सरिस्का में कैसा वेजिटेशन है. वेजिटेशन इज ड्राई डिसीडियस, यस, एंड विद ग्रासलैंड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस विद ग्रासलैंड वेजिटेशन, यस. एंड क्या अभी का मौसम प्रोन है, क्या अभी मींस क्या पतझड़ का मौसम हुआ है, यस. क्या अभी प्रोन रहेंगे सारे फॉरेस्ट फायर्स के लिए, यस. सरिस्का ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन विद द प्रीडोमिनेंस ऑफ ग्रासलैंड्स, दैट्स इट. यस यस, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये देखिए उसी को अमेंड करके इनको ऐड किया गया, अटैच किया गया. ये देखिए तो सरिस्का याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, और ये मेंस के लिए भी एक एग्जाम्पल. फॉरेस्ट फायर पे सवाल निकल सकता है इस बार, इंडिया में भी एंड ग्लोबल लेवल पर भी फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा लगे हैं. ठीक है, एंड प्रीलिम्स में सरिस्का कहाँ पे एंड दिस केवलादेव घना कहाँ पे, रणथंबोर कहाँ पे, ये आसपास के लोकेशंस देखिए, रणथंबोर, सरिस्का एंड केवलादेव घना नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ, GS पेपर 2 एंड इंडियन पॉलिटी में एक नया टॉपिक, असम एंड मेघालय इंक पैक्ट टू एंड बॉर्डर रो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट रिलेशंस. क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट रिलेशंस. आर द स्टेट्स पार्ट ऑफ द फेडरेशन, यस. एंड आर द स्टेट्स, जब डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में तो क्या डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 131 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है. टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस. फॉरेस्ट फायर्स के बहुत सारे वजह, मैं बता दूं, फॉरेस्ट फायर्स नेचुरल कॉजेज भी हैं, मैनमेड कॉजेज भी हैं. ठीक है, नेचुरल कॉजेज में दिस टू मच हीट, स्कॉर्चिंग हीट, स्कर्सिटी ऑफ वाटर. ठीक है, एंड दिस अपार्ट फ्रॉम दिस you can say this why the dry leaves which are prone to catching fire. So natural causes bhi hote hain usme, theek hai, and or
मैनमेड कॉजेज भी होते हैं। मैनमेड कॉजेज का मतलब क्या है, दैट आग लगाई जाती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल 131 इंपॉर्टेंट, व्हेन टू फेडरल यूनिट्स, इट कैन बी सेंटर और द स्टेट और इट कैन बी टू स्टेट्स, और फाइट करते हैं आर्टिकल 131 के तहत, ओरिजिनल एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, हैव यू हर्ड ऑफ इट, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं नहीं जाना है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ही आना है, यही यही मोटो है आर्टिकल 131 का, और कहीं नहीं जाना है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही आना है अगर कोई डिस्प्यूट होता है दो यूनिट्स के बीच में फेडरेशन के। और सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स बॉर्डर रो का। अभी असम मिजोरम डिस्प्यूट हुआ था, अभी असम अरुणाचल डिस्प्यूट हुआ था, असम नागालैंड डिस्प्यूट, और अब असम मेघालय, बहुत इनसे डिस्प्यूट चल रहा है। अब पैक्ट साइन कर दिया, गिव एंड टेक कर दिया, देखिए यहां पे गिव एंड टेक कर दिया है, ठीक है, कि तुम कुछ रीजन्स ले लो, तुम कुछ रीजन्स ले लो, और आपस में डिवाइड हो। देखिए द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, इसमें साफ साफ देखिए सुप्रीम कोर्ट के पहले इन लोगों ने अपना मामला सुलझा लिया, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल पैनल्स प्रपोज डिवाइडिंग द डिस्प्यूटेड 36.79 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इन द सिक्स एरियाज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। तो 18.51 असम को चला गया, 18.28 मेघालय को चला गया, क्या बात है, लॉ ऑफ एवरेजेस। ये देखिए एवरेज कर लिया इन लोगों ने, कि आधा आधा कर लिया, कितनी बड़ी बात। मिठाई जब हम लाते हैं घर पे और एक ही मिठाई होती है और दो खाने वाले होते हैं तब भी लड़ते हैं, नहीं, इंसान की फितरत है लड़ना, और वहीं डिवाइड, और किसी को मिलता नहीं है, और मिलता भी है ना तो खुशी खुशी खा नहीं पाते हैं क्योंकि उसे फिर डायबिटीज भी बढ़ेगा, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अगर साफ साफ डिवाइड कर लिया, देखिए यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आधे में डिवाइड किया गया, सो बोथ साइड्स विल बी हैप्पी एट द लास्ट। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यही कंसेप्ट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे एंड स्वीडन वर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर अ माउंटेन, एंड व्हाट दे डिसाइडेड दैट दिस नॉर्वे एंड स्वीडन, दैट जिस तारीख को स्वीडन का नेशनल डे रहेगा उसे नॉर्वे डिसाइड किया कि हम ये पहाड़ी दे देंगे गिफ्ट में, और स्वीडन ने डिसाइड किया कि इस पहाड़ी को ऑटोनॉमस कर देंगे, ये कंडीशंस। सो दिस इज इट। तो ये क्या ये इंटरस्टेट रिलेशन सुलझाने का बहुत आसान तरीका, यस, दिस विल प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंगस्ट द स्टेट्स, डू यू एग्री, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए कॉम्बैटिव फेडरलिज्म बहुत देख लिया हम लोग पिछले एक दो साल में, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का देखिए एग्जाम्पल बहुत सटीक। जब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है ना, वी ओनली डिस्कस अबाउट सेंटर एंड स्टेट्स, वी आर वेरी रॉन्ग इन दैट परस्पेक्टिव। सेंटर एंड स्टेट्स ही नहीं, स्टेट्स एंड स्टेट्स के बीच में भी कोऑपरेशन जरूरी है इस फेडरेशन को इंटैक्ट रखने के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट, टेल मी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये क्लासिकल एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इट शोज द मैच्योरिटी ऑफ द टू स्टेट्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद ऑलवेज हैव टू डायमेंशन, सेंटर स्टेट्स एंड इंटर स्टेट, दैट्स इट, दो स्टेट्स के बीच में। वाटर्स के लिए 262 में दिया हुआ है ना आर्टिकल 262, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुना होगा आपने, पानी को लेकर भी चिंता है, ठीक है। आर्टिकल बहुत इजी याद करना, आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 इंटू 2, आर्टिकल 262, ठीक है, देखिए बहुत इजी याद करना, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, एक जमीन को लेकर और एक पानी को लेकर, ठीक है, लग रहा है सीसेट का पेपर भी इसमें इंप्लीमेंट हो गया है, गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे आपका होमवर्क है, आर्टिकल 131 प्रीलिम्स के लिए रेडी कर लीजिएगा। ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है आपको देखना है, एंड मेंस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको लिंक कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया सीक्स क्लोजर बिमस्टेक पार्टनरशिप, ये देखिए मेंबर शुड क्रिएट सप्लाई एंड वैल्यू चेन्स, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कोविड का असर बिमस्टेक के ऊपर, कि सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ टू प्रिवेंट एक्सटर्नल शॉक्स, मिस्टर एस जयशंकर टेल्स इन कोलंबो, एंड कोलंबो से ज्यादा अच्छा कौन समझ पाएगा इस शॉक को, ये देखिए, ठीक है, कोलंबो से ज्यादा कौन समझ पाएगा इस शॉक को, जो शॉक लगा है कोलंबो को, ये देखिए कोलंबो का शॉक देखते हैं। इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स रिप्लेस चाइनीज वेंचर्स इन श्रीलंका, चाइना निकल लिया वहां से, इसे कहते हैं एक ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे समय में आपका साथ देता है और बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर चला जाता है, तब आपको समझ में आता है आप जिस दोस्त के ऊपर इतना इतरा रहे थे
and you are like creating arrogancy and assertiveness in the neighborhood, you can go on to see out here. Ye dekhi. And this अब सारे प्रोजेक्ट्स में अब इंडियन कंपनीज वहाँ पे अदानी प्रोजेक्ट्स, अदानी कंपनी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का सोलार वेंचर, ये देखिए अदानी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये देखिए मन्नार में. दिस शोज इजीली हाउ श्रीलंका हैज नाउ गॉट डिपेंडेंट कंप्लीटली ओवर इंडिया. यस, एंड दिस इज इंडियाज गुडविल डिप्लोमेसी. आई होप यू एग्री विद मी, टेल मी इन द चैट बॉक्स. गुडविल डिप्लोमेसी, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं. एंड इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. आज से मुझे याद है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था आज से 4-5 years back, एंड श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का एक कमेंट आया था, ठीक है, नॉट रॉन्ग, द कमेंट केम अप दैट, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन कमेंट आया था दैट इंडिया से कहीं, मीन्स इंडिया हैज़ अ बिग ब्रदर एटीट्यूड इन द साउथ एशियन बेल्ट एंड इट डजेंट लाइक टू हेल्प. जबकि चाइना इतनी मदद कर रहा है कि क्या कहा जाए. अब देखिए चाइना की मदद ले लीजिए आप. अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया इतना सुनने के बाद भी हेल्प कर रहा है, अब क्या कहा जाए. ठीक है, हमारी फितरत में मदद करना, ठीक है, और हमारी फितरत में है एक्शन, मींस जबान से वापस, मींस अगर कोई हमें इंडिया को कोई बोल रहा है दैट यू डिडंट हेल्प अस, तो हम वापस लड़ेंगे नहीं. वी विल हेल्प द अदर कंट्री व्हेन द कंट्री इज इन नीड. और साफ साफ दिख जाएगा, ये देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड गुडविल डिप्लोमेसी का साफ साफ एग्जांपल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस. सवाल ये खड़ा होता है दैट क्या इंडिया को हेल्प करना चाहिए इतना. इंडिया शुड हैव अ कॉशियस अप्रोच. आई होप यू एग्री विद मी, टेल मी. क्योंकि आज का समय थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला है. नहीं, आज से 20 साल पहले का जमाना गया. आज की तारीख में क्यों मैं कह रहा हूं, बिकॉज इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. आई होप यू एग्री, टेल मी. तो ये सबसे बड़ी बात है. यस, ये वही जगह है जहां पे चाइना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा था, नैना तीवू आइलैंड. ये देखिए नैना तीवू आइलैंड को ही लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी चाइना के साथ में. चाइना इंस्टॉल करा था यहां प्रोजेक्ट, और अब इंडिया कर रहा है, ये देखिए यहां इस जगह. So this clearly shows, and India should have a pragmatic, realistic approach. Do you agree? Pragmatic realism. ये देखिए मदद कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लिखा पढ़ी भी करना जरूरी हो गया है समय पे. नहीं, लिखा पढ़ी करने का मतलब क्या होता है? ऐसे मदद नहीं की जानी चाहिए, लिखित, कि सामने वाले को दिखे कि मदद की गई है. Getting it? और बताते रहना चाहिए कि मदद किया गया था. आप इसे समझिए इस चीज को. श्रीलंका शुड अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज बीन हेल्पिंग श्रीलंका राइट सिंस द वेरी बिगिनिंग. चाइना केम कैप्चर्ड हम्बनतोता एंड कोलंबोज टर्मिनल एंड वेंट अवे बैक. सो दिस इज इट. इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुड ऑल्सो हैव अ प्रैग्मेटिक रियलिज्म अप्रोच. डू यू एग्री, टेल मी. शुड हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रैग्मेटिक रियलिज्म. ये आइडियलिज्म का कंसेप्ट नहीं चलने वाला है आज, ठीक है. सबको मदद करते चले, सबको हमें भूलता चला, ऐसा चलेगा ही नहीं अब वर्ल्ड में. हमें बताना पड़ेगा. यस, एंड ये देखिए इंडिया सीक्स क्लोजर बिम्स्टेक पार्टनरशिप. देखिए हर जगह सप्लाई चेन और सप्लाई चेन की बात हो रही है. बिम्स्टेक कब बना था आपको भी पता है, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है आपको पता है? ढाका में. ये देखिए, ठीक है, ढाका में हेडक्वार्टर्स. बिम्स्टेक बना था पहले, चार कंट्रीज थे, बिम्स्टेक नाम था. ये देखिए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. बाद में म्यांमार ऐड हुआ, बाद में नेपाल एंड भूटान ऐड अप हो गए. Getting the point? Getting it, students? तो BIMSTEC का history पढ़ लीजिएगा, बहुत important है. और इंडिया ने अर्ज किया है कि supply chain strengthen किया जाए. इसलिए ये topic important हो जाता है India and its neighborhood में भी, and also supply chain in Indian economy. Do you agree? Supply chain management Indian economy का एक बहुत critical topic है, उसमें भी इस news को add up कीजिएगा. ये देखिए बस इतना ऐड करना है कि सप्लाई चेन. रिसेंटली द बिम्स्टेक पार्टनरशिप आल्सो फोकस्ड अपॉन क्रिएटिंग ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू चेन्स टू प्रिवेंट एक्सटर्नल शॉक्स. दैट्स इट, इतना करना है. चलिए आगे बढ़ जाए.
ये इंडिया श्रीलंका रिलेशंस देखिए, डिटेल मैंने पुटअप कर दिया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कितना है ये देखिए, डेवलपमेंट असिस्टेंस कितना इंडिया ने देखिए किया है, कितना असिस्टेंस किया, स्कॉलरशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल सेंटर, रिहैबिलिटेशन ऑफ रेलवे लाइंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग यूनिट्स, सेटिंग अप सेंटर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस इन जाफना प्रोविंस ये देखिए, एंड सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट ये देखिए, फिशरमैन इशू को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं ये देखिए मैंने पुटअप कर दिया यहाँ पे। कंटेम्प्रेरी में सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका फॉर इंडिया, व्हाई इज इंडिया इंटरेस्टेड इन श्रीलंका एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर श्रीलंका, इसमें तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस पुटअप कर दीजिएगा हेल्प इस खराब समय में। अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज दैट दिस नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में गैस सिलेंडर्स भी खत्म हो गए हैं, फ्यूल भी खत्म हो गया है। श्रीलंका इज स्टेयरिंग एट 10 आवर पावर कट्स थ्रू आउट द कंट्री, द इकनॉमी हैज प्लमेटेड डाउन। इतना बड़ा ध्वस्त कोई इकनॉमी हो पाएगा 20 साल में, ये सोचा नहीं गया था। ग्रीस के अलावा कहीं नहीं ऐसा हुआ था जो आज श्रीलंका में चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी न्यूज़ में मैंने वही देखा दैट एक मीन्स एक घर की कहानी थी, एक परिवार की कहानी थी, दैट गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया एंड द फैमिली कुड गेट अ गैस सिलेंडर ओनली आफ्टर अ सर्च ऑफ 3 to 4 hours, इंटेंस सर्च, और एंड पीपल आर रेडी टू गिव मनी, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं, पैसे की कोई कीमत बची नहीं वहाँ पे। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं क्या पैसा खा लें हम लोग, यही कमेंट आया है वहाँ के लोकल से। यस, गेटिंग द पॉइंट, वो यही कमेंट आया वहाँ के लोकल से, क्योंकि लोकल्स कह रहे हैं पॉकेट में पैसा मेरे भी है, पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पैसे की कीमत ही नहीं है यहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस, द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस टिल डेट इन श्रीलंका इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा खासा पैसा चाइना से ले लिया था इस जो अभी श्रीलंका की गवर्नमेंट है, इसमें जो पर्सनैलिटीज हैं, यस एलिजेशंस ह्यूज हैं उनके ऊपर। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स, जरूर से पढ़ लीजिएगा ये देखिए चैलेंजेस क्या क्या हैं दोनों में। सबसे बड़ा चैलेंज तो चाइना फैक्टर ही है और रहेगा ये, ठीक है। एंड ये देखिए फिशरमैन ट्रबल्स मैंने अटैच कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे या इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस पे सवाल निकल सकता है इस बार स्टूडेंट्स, बिकॉज इंडिया इज एक्सेसिवली फोकसिंग अपॉन द नेबरहुड। आई होप यू एग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रॉस्पेक्ट्स भी है, कंक्लूजन भी है। ये देखिए नेक्स्ट, जोसेफ बाइडेन ये अलग ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं, प्रपोजेस $1.8 billion फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैज प्रपोज $1.8 billion टू सपोर्ट हिज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अलॉन्ग विद अनदर $400 million टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर इन द वाइटल रीजन। किस लिए लेकिन ये पैसा है ये तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ये चिप्स बनाने के लिए, मीन्स चिप्स मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही है, गेट द पॉइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट चिप्स जो आप खाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या ये डिफेंस के लिए बात चल रही है, इकोनॉमी की बात चल रही है, वैक्सीन आने की बात चल रही है, क्या बनाया जाएगा इस पैसे से। देखिए, इन द इंडो पैसिफिक अमेरिका इज स्ट्रेंथनिंग इट्स रोल एंड एक्सपेंडिंग इट्स कॉपरेशन विद लॉन्ग टाइम अलाइज एंड पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू डिप्लोमेटिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन एंड क्लाइमेट एंड ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव। देखिए वेग वेग आंसर्स देखिए, यहाँ पे पूछा गया कहाँ लगाओगे पैसा, तो बोला डिफेंस सिक्योरिटी डिप्लोमेसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज सप्लाई चेन क्लाइमेट ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स, वेग आंसर। ये वैसे ही जैसे आपसे किसी ने पूछा आप घर से बाहर निकले दैट आप वापस आए 2 घंटे बाद घूम फिर कर, तो पेरेंट्स से पूछा कहाँ गए थे, बस यहीं गए थे, ठीक है। ऐसा ही कंसेप्ट, देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट रिगार्डिंग द फ्यूचर विजन ऑफ इंडो पैसिफिक। डू यू एग्री, टेल मी, एग्री कर रहे हैं, नो क्लैरिटी ऑफ विजन। ये देखिए क्लैरिटी ऑफ विजन है ही नहीं, आप एग्री कर रहे हैं तो यस कीजिए चैट बॉक्स में। देखिए मैं दोष नहीं दे रहा हूँ यूएस को, लेकिन यूएस इज इन अ फिक्स, कभी यूक्रेन पे फोकस, कभी इंडो पैसिफिक पे फोकस, कभी इंडो पैसिफिक को क्वाड कर देना है, कभी AU के US करना है, कभी इंडो पैसिफिक बोलना है, कभी वैक्सीन बनाना है, कभी चिप्स बनाना है, ठीक है, कभी क्लाइमेट चेंज बनाना है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज कीपिंग इंडिया ऑल्सो एट बे, मीन्स इंडिया भी सोच रहा है कि हम क्या करें, ये पहले सोच के क्लियर तो करें कि इसको करना क्या है, ठीक है।
So lack of clarity of vision with the US regarding Quad. एंड यूएस इज नॉट, मैं बता दूं इसमें सबसे बड़ी बात, यूएस इज नॉट विलिंग टू टेक इंडिया, लेट मी टेल यू। डोनाल्ड ट्रंप के समय भले विलिंग था यूएस, अभी जो नई सरकार है इसमें यूएस इज नॉट एट ऑल विलिंग टू टेक इंडिया इनटू इट्स फोल्ड बिकॉज, और अब जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसको तो लेकर यूएस को थोड़ा बहुत दरार पड़ गई है रिश्ते में इंडिया और यूएस के। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सो यू कैन लिंक दिस न्यूज इन इंडो पैसिफिक एंड क्वाड एंड अदर थिंग्स। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, पहला न्यूज, इंडिया बाइज रशियन सनफ्लावर ऑयल एट रिकॉर्ड प्राइस। ये देखिए, यूक्रेन का सप्लाई हाल्ट किया, शॉर्ट किया, तो इंडिया ने 45,000 टन्स ऑफ रशियन सनफ्लावर ऑयल एट रिकॉर्ड हाई प्राइस अप्रैल के लिए बुक कर लिया है। ये देखिए इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इन्फ्लेशन, क्या सनफ्लावर ऑयल बिकेगा महंगा इंडिया में, मुझे बताइए। यस, ये देखिए लिंक दिस न्यूज, वॉर का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, सनफ्लावर ऑयल का न्यूज लिंक कर दीजिए। देखिए हम एंड लिखा हुआ, सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम रशिया कुड हेल्प वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर, डू यू एग्री इंडिया के बारे में? यस, एडिबल ऑयल इंपोर्टर सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, एंड शॉर्टफॉल ठीक हो जाएगा इससे, ठीक है। इधर पाम ऑयल के भी शिपमेंट्स कम हो गए हैं, सोयाबीन क्रॉप भी साउथ अमेरिका से, मैं बता दूं दैट इंडिया के मेजर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में पाम ऑयल रैंक 1 पे, ठीक है। उसके बाद दिस सोयाबीन और उसके बाद सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। सोयाबीन कहाँ से आता है जर्मी स्टूडेंट्स? फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये देखिए अर्जेंटीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So is it clear? मुझे बताइए students. तो ये बस link करना है आपको, impact of war on Indian economy. चलिए आगे बढ़ते हैं students, अगला topic, ठीक है। क्या कुछ lag कर रहा है मुझे बताइए, क्या कुछ buffer कर रहा है, lag कर रहा है मुझे बताइए, थोड़ा ठीक कर दिया जाए। अगला टॉपिक, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फ्री इंपोर्ट पॉलिसी फॉर की पल्सेस बाय ईयर। कौन कौन से पल्सेस का इंपोर्ट का न्यूज आया था पिछले 2 महीने में, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। टेल मी द नेम ऑफ 2 पल्सेस फॉर विच इंडिया साइंड सम दिस एग्रीमेंट्स विद सम अफ्रीकन कंट्रीज एंड सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो इज इट अबाउट द तूर दाल एंड द उड़द दाल? टेल मी, तूर दाल और उड़द दाल के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए हैं, और यही दो दाल दलहन पल्सेस इंडिया ने फ्री इंपोर्ट कर दिया, दैट मींस इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। क्या इंडिया पल्सेस भी इंपोर्ट करता है? टेल मी, क्या इंडिया पल्सेस भी इंपोर्ट करता है? यस, पल्सेस इंपोर्ट करता है। और ये देखिए मोजाम्बिक के साथ देखिए साइन किया था इंडिया ने एग्रीमेंट, ये देखिए, उसके अलावा साइन किया था मालावी के साथ और म्यांमार के साथ, ये देखिए अभी न्यूज आया था, ये देखिए। And this clearly shows, देखिए ये मैं क्यों, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है, वाई एम आई डिस्कसिंग इट इन सच डिटेल? बिकॉज द क्वेश्चन माइट कम अप, दिस हाउ कैन, या वट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सरकार का क्या रोल है, तो या आर बी आई का क्या रोल है? आर बी आई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दिस पुल डाउन करने के लिए क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस करता है। वहीं दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इट इज ऑलवेज सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। ये देखिए सप्लाई साइड में फ्री इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा रहेगा, सप्लाई ज्यादा रहेगा तो शायद दाम कम हो जाएंगे पल्सेस के। यस, दैट्स इट। अच्छा, मसूर था, ठीक है, यस, तूर और मसूर था, लेकिन देखिए यहां लिखा हुआ है तूर एंड उड़द दाल, ये देखिए ये दोनों के ऊपर फ्री कर दिया गया इंपोर्ट पॉलिसी, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। सो देख लीजिएगा, यस, मसूर दाल के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड तूर दाल के लिए शायद मालवी, मोजाम्बिक एंड म्यांमार। सो यहां पे तूर और उड़द दाल के लिए साइन किया गया है, मींस इनिशिएट किया गया है फ्री इंपोर्ट पॉलिसी, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सो दिस इज वन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है, सप्लाई साइड फैक्टर्स। नेक्स्ट, पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्राइव्स डिस्पाइट कोविड, ये देखिए
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर, जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो हम लोग हमेशा बात करते हैं खेती में, क्रॉप्स में, ठीक है। यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में देखिए पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। सो व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज येट टू टेक फॉर्म रूट्स इन द कंट्री, अ क्लासिकल केस एग्जांपल, अ क्लासिकल केस स्टडी, देखिए पुणे का केस स्टडी है ये देखिए। द मॉडल इज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रोइंग इन द दिस पोल्ट्री इंडस्ट्री। सो अराउंड 25 फॉर्म्स इंक्लूडिंग वेंकीज, सुगुना, ये देखिए जिसकी अब देखा होगा इस एग्स और मीट आता है, ठीक है, इन कंपनीज का। सो दे हैव थ्राइव्ड ओवर द थ्राइव्ड इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नाउ दे हैव फॉरवर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल फॉर द फार्मर्स, जिसमें ये लोग कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन ये सारा खर्चा वहन करेंगे और फार्मर्स को जो दिस पोल्ट्री एंड बर्ड्स का जो रियरिंग चार्जेस है वो पे कर देंगे। यानी किसानों को उनका जो वो काम कर रहे हैं रोजमर्रा दिस फॉर एनिमल हस्बेंड्री, उनको उनका उनका पैसा दे दिया जाएगा। ये देखिए, सो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोट कर लीजिएगा केस स्टडी एग्रीकल्चर के लिए, ये मेंस के लिए केस स्टडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ILNFS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिजॉल्व 55,000 रुपीज करोड़ डेट, उदय कोटक टू एग्जिट एज टेन्योर एंड्स। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, क्यों बफर कर रहा है, मुझे बस थोड़ा सा चेंज करने दीजिए दिस। तो देखिए यहाँ पे ILNFS, ये पता है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NBFC, और ये लॉस मेकिंग में चला गया था। आइए देखते हैं ILNFS की कहानी इसी करंट अफेयर्स के सेशन में। आइए देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ILNFS इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और शेडो बैंक। NBFC का डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस बार प्रीलिम्स के लिए, व्हाट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जरूर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये उसका एग्जांपल ये देख सकते हैं आप। इट वाज फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड लोन्स फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इट डेवलप्स हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू कैटलाइज इंडियाज ग्रोथ, यू कैन सी इट हियर। एंड देखिए कौन कौन से बैंक्स इसमें स्टेक होल्डर्स थे, SBI, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें स्टेक, LIC का भी स्टेक इसमें देखिए, ओरिक्स कॉरपोरेशन जापान का भी स्टेक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी स्टेक, ये जॉइंट वेंचर था इन सारे कंपनीज का, देखिए यहाँ पे। एंड LIC एंड ओरिक्स कॉरपोरेशन आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, देखिए LIC का 25% इसमें होल्डिंग था, देखिए 1/4 वॉज हेल्ड बाई LIC द शेयर्स, ठीक है द ओनरशिप, एंड 1/4 अप्रॉक्सिमेटली बाई ओरिक्स कॉरपोरेशन जापान, ये देखिए। एंड फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इसने डेवलप किए, देखिए दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज, रांची पतरातू डैम रोड, बालेश्वर खड़गपुर एक्सप्रेसवे, त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट चेन्नई के पास, इंडिया का सबसे बड़ा रोड टनल, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, सुना है आपने, टेल मी स्टूडेंट्स। एंड क्राइसिस कब शुरू हुआ, देखिए इसके सारे लोन्स मीन्स ये लोन्स प्रोवाइड करता था, इट वाज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, एंड द एंड रिजल्ट वाज इट्स लोन्स वेंट इनटू NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों, टेल मी, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पैसे बहुत जो रिटर्न्स है क्या वो बहुत डिलेड आते हैं, वेरी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर कंपनीज डूब जाएंगी ठीक है तो उसका असर पड़ता है बैंक के ऊपर भी, ये देखिए। और यही हुआ ILNFS के साथ में, इट फेल शॉर्ट ऑफ कैश, ये 4 साल पहले की बात है, इट डिफॉल्टेड। अब देखिए बैंक्स क्या करते थे, बैंक्स SBI ILNFS को पैसा देता था, ये देखिए ILNFS स्पेशलाइज एजेंसी था, ये कंपनीज को पैसा देता था, इट वॉज अ मीडिएटिंग एजेंसी, कंपनीज को पैसा देता था किस चीज के लिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। तो जब कंपनीज वापस लोन रिटर्न करेंगे तभी तो वो SBI में वापस जाएगा, यस। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जब रिटर्न हुआ ही नहीं लोन्स, NPA हो गया,
तो INFS भी लॉस में चला गया एंड इट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक लोन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये देखिए, एंड बहुत बहुत दिक्कत में। ये देखिए ये कब की बात है, ये हाउ डिड अनफोल्डेड, ये वर्स्ट फेज था इंडिया के NPA क्राइसिस का, देखिए 2018, ये देखिए 2018 के आसपास, ये पूरा टाइमलाइन बता रहा है, 12,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और उससे कहीं ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पूरा का पूरा सामने आकर दिख रहा था। 91,000 करोड़ का इसका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स, देखिए 91,000 करोड़, उसका 55,000 करोड़ उसने अब, ये देखिए आज न्यूज़ आया है, रिजॉल्व 55,000 करोड़ डेट, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू भी, ठीक है, और बाकी प्रोसेस के थ्रू भी इसने अपने डेट को रिटर्न कर दिया है, कितने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा था, ठीक है, एंड दिस रिमेनिंग पैसा भी बोला जा रहा है दैट उस, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज अनवायबल, द प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग अहेड, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी, हाउ टू गो फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इसी में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है आज से 3-4 साल पहले तक। स्टिल द प्रॉब्लम्स आर देयर बट यस रिजोल्यूशंस आर कमिंग अप, ठीक है। DHFL भी इस क्राइसिस से गया है, यस सब इस क्राइसिस से गए। NBFC में पता दिक्कत क्या होती है, NBFC को उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में रखा नहीं जाता जितने स्ट्रिक्ट में कौन रहता है, बैंक्स। NBFCs वर्सेस बैंक्स तैयार कर लीजिएगा आज डिफरेंसेस प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए 91,000 करोड़, नियरली 60,000 करोड़ ऑफ डेट इज एट प्रोजेक्ट लेवल इंक्लूडिंग रोड पावर एंड वाटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबसे बड़ा पता है क्या वजह थी इसका लोन बढ़ता चला गया, लैंड एक्विजिशन। ये देखिए जिन कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए लिया था पैसा उनको जमीन ही नहीं मिली समय से, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर डिले होते हैं डज द कॉस्ट राइज एक्सपोनेंशियली, टेल मी डज द कॉस्ट राइज एक्सपोनेंशियली, यस। ये देखिए कॉस्ट एस्केलेशन लेड टू मेनी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ टाइमली एक्शन लेड टू द INFS गोइंग इनटू द लॉस मेकिंग यूनिट्स, ये देखिए। तो आफ्टर मैथ देख लीजिए, मींस बहुत ही प्रॉब्लम में फंस चुका था INFS और स्टेप्स लिए गए, चेक किया गया क्यों, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ से पैसे लाए जाएँ, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसको इसके ऊपर नज़र रखी और अब जाके थोड़े थोड़े चीज़ें संभल रही हैं यहाँ पे, दैट्स इट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द दिस स्टूडेंट्स अबाउट दिस INFS क्राइसिस, मैंने पूरा पुटअप किया हुआ यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ में, एक और न्यूज़ रह गया मैं बता दूँ, FSSAI का न्यूज़ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैव यू हर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, टेल मी। 2006 में पास किया गया फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर एक एक्ट पास किया गया, FSSAI एक्ट, और उसी के बाद FSSAI वॉज मेड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड टू फोकस ओवर फूड क्वालिटी एंड फूड स्टैंडर्ड्स, यस, ठीक है। और उसी को लेकर देखिए न्यूज़ आया, स्टूडेंट्स इट वॉन्ट्स किड्स टू बी टॉट हेल्दी फूड हैबिट्स, साइट्स थ्रेट टू प्रोग्रेस, बिल्कुल सही कह रहा है FSSAI, बहुत खराब डाइट रेजिमेन हो गया हम लोगों का, डू यू एग्री, टेल मी स्टूडेंट्स, जितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उतना खराब खाना खाते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है बच्चा लोग जो नई पीढ़ी है उन लोगों के डाइट में बहुत मैसिव ड्रास्टिक चेंजेस, विच इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर देयर हेल्थ, दैट्स इट। 2 महीने बाकी हैं और प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, अगर किसी का तो अभी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 60 डेज इज इनफ, 60 डेज एक दिन में 10 से 12-15 घंटे, लगभग 12 घंटे लीजिए और 60 डेज लगभग 720 घंटे में तो इतने सुपर अर्थ डिस्कवर कर लिए जाएंगे, आपको तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ईजिली हो जाएगा, जान लगा दीजिए, सिंगल माइंडेड फोकस एंड डिवोशन से काम कीजिए। लेट मी टेल यू, साल भर तैयारी करते हैं लोग लेकिन सबसे अच्छी तैयारी अंतिम के 3-4 महीने में ही होती है, लेट मी टेल यू, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया अफगानिस्तान अच्छी खासी परेशानियां इंडिया झेल रहा है नेबरहुड में, ठीक है,
और सारे देश वापस आ रहे हैं इंडिया के पास, वापस आ रहे हैं, तो आज इज इट परेशानी या इज इट गुड? परेशानी ही तो है ना, ठीक है, खराब समय में आ गए लोन मांगने के लिए, जब अच्छा समय था तो मुड़ के देखते भी नहीं थे। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट्स इट अबाउट टुडेज न्यूज, एंड विद दिस आई विल एंड द सेशन, और मिलते हैं शाम को MCQ सेशन में, और कल से 6:30 पे सेशन रहेगा मॉर्निंग, ठीक है। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, लेट्स मीट एट 7:30 PM इन द इवनिंग फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशंस ऑन अनअकैडमी ऐप। नमस्कार, जय हिंद, एंड थोड़ा इरेगुलरिटी था सेशंस में, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, इवन आई डोंट वॉन्ट इरेगुलरिटी इन द इन साइड इरेगुलरिटी, लेकिन कभी कभी काम पड़ जाता है ज़रूरी, तो इन दैट केस वी हैव टू अडेप्ट एंड एडजस्ट, दैट्स इट। तो चलिए एंड करते हैं सेशन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।